नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सेनाइटी का आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जो हम कमेंट पे काम करने वाले हैं वो 5 सॉकेट, 5 स्विच और उसके साथ एक फ्यूज और एक इंडिकेटर का जो डिमांड था उस पर हम काम करने वाले हैं। तो हमने जितना भी यहां पे सॉकेट था उसके साथ एक स्विच लिया है, ठीक है। ऐसा 5 सॉकेट और 5 स्विच है हमारे पास, ठीक है। इसके साथ हमने एक फ्यूज और एक इंडिकेटर लिया है। तो आज हम जो डायग्राम करेंगे इस डायग्राम में ही करेंगे। ये एक मैं नॉर्मल सा कूट लिया हूँ, आप कूट में काम ना करें, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता दे रहा हूँ कि किस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो ये जो बोर्ड है इसमें सेम जो उनका था 5 सॉकेट 5 स्विच, सबका अपना सेपरेट सॉकेट है। ये सॉकेट का ये स्विच, ये सॉकेट का ये स्विच, ये सॉकेट का ये स्विच, ये सॉकेट का ये स्विच और ये सॉकेट का ये स्विच, साथ में फ्यूज और इंडिकेटर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा वायर आएगा उसमें कौन कौन सा आएगा, हमारा फेज आएगा, न्यूट्रल आएगा, बॉडी अर्थिंग का वायर आएगा। तो हमारा जो फेज का वायर आएगा वो आएगा जो कहाँ इन करेगा, फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज के ऊपर वाला टर्मिनल होगा उसमें इन कराएंगे। तो हमारा जो ऊपर वाला टर्मिनल होगा ये होगा फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल, ठीक है। तो हम इसमें इन कराएंगे और इसका वायरिंग भी करके देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन किस तरीके से हुआ है। तो हमारा जैसे फेज आया कहाँ पे आया, फ्यूज के ऊपर वाला टर्मिनल में इन करेगा और ये आउट करेगा फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल से, ठीक है। हमारा जो फ्यूज का वायर है फ्यूज में इन करेगा, आउट यहाँ से करेगा, इन यहाँ पे कर रहा, आउट यहाँ से कर रहा, और ये कहाँ जाएगा, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, ठीक है। स्विच का जितना भी नीचे टर्मिनल है, एक स्विच यहाँ था, एक स्विच ये था, एक स्विच यहाँ था, एक स्विच यहाँ था, एक स्विच यहाँ था, जहाँ स्विच है सब में हमने निचले टर्मिनल में इन कराना फेज का वायर। साथ में हमको एक इंडिकेटर में भी फेज का वायर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडिकेटर को चलाने में फेज न्यूट्रल दोनों का जरूरत पड़ेगा। तो हम फेज एक यहाँ से इन कराएंगे। तो हम इसका पहले डायग्राम पूरा देखते हैं, उसके बाद हम इसका वायरिंग कनेक्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने फ्यूज का वायर को, ठीक है, स्विच के सारे निचले टर्मिनल तो दे दिया है, अब हमको क्या है, फ्यूज से तो हमारा कनेक्शन का यूज नहीं है, हमको यूज है ये सॉकेट में। तो ये सॉकेट को चलाने के लिए हमको फेज न्यूट्रल दोनों का जरूरत पड़ेगा। हम फेज लाए हैं स्विच तक, ना कि सॉकेट तक। तो हमको क्या करना है, देखिए ये जो भी सॉकेट होता है ना, सब में एक जगह न्यूट्रल और एक जगह फेज, इन दोनों का जरूरत पड़ेगा हर जगह, ठीक है। एक जगह न्यूट्रल और एक जगह फेज, एक जगह न्यूट्रल, एक जगह फेज, एक जगह न्यूट्रल और एक जगह फेज, एक जगह न्यूट्रल और एक फेज, ठीक है। ये इसका जो पीछे वाला जो दो टर्मिनल, एक न्यूट्रल लगेगा, एक में फेज लगेगा। तो हमको फेज कहाँ से लाना, जो स्विच से हमको ये सॉकेट को चलाना है, ठीक है। अगर ये स्विच से हमको ये सॉकेट को चलाना है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हमको यहाँ पे ले जाना है, ना कि यहाँ से यहाँ पे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला जो टर्मिनल है, ठीक है, ये स्विच से हमको ये सॉकेट को चलाना, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हम कनेक्शन निकालेंगे, जो यहाँ से हमारा इन यहाँ पे किया, अब ये आउट करेगा यहाँ से और हमको यहाँ पे इसको लेके आना है। ठीक है, और हमारा जो फेज एल जहाँ पे है उस टर्मिनल में हम इसको डाल देंगे। तो हमारा ये सॉकेट में क्या हुआ, ये सॉकेट में हमारा फेज इन कर गया। सेम हमारा इस सॉकेट में भी चाहिए हमको, ये सॉकेट में ये स्विच से ये सॉकेट चलाएंगे तो ये स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल होगा यहाँ से हम एक वायर आउट कराएंगे और ये वायर हमारा आउट होके आएगा। इसका जहाँ पे एल लिखा होगा, ठीक है, जो टर्मिनल में एल लिखा होगा वहाँ पे हम इसको इन करा देंगे। तो हमारे देखिए स्विच के नीचे टर्मिनल में फेज किया, आउट किया और ये आया सॉकेट के एक टर्मिनल में, ठीक है। सेम हमको ये सॉकेट में भी करना है, ये सॉकेट में भी करना है, ये सॉकेट, ये स्विच हमको ये सॉकेट चलाना है। तो इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल होगा वहाँ से हम वायर निकालेंगे और लाएंगे इसको, और इसका एक टर्मिनल जहाँ पे एल होगा उसको हमको यहाँ पे दे देना है। सेम हमको यहाँ भी करना है, इसका ऊपर वाला टर्मिनल से वायर निकालेंगे और इसका एल वाला टर्मिनल हम इसको दे देंगे। यहाँ भी ऐसे ही करना हमको, ऊपर वाला टर्मिनल से हम निकालेंगे और यहाँ पे हमारा एल है, ये एल वाला टर्मिनल हमको दे देना है, ठीक है। बेसिकली हमारा क्या हो गया, देखो फेज जो था वो हर जगह पहुँच गया, ठीक है। जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये क्या है, देखिए मैं इसको पलट कर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच हमारा ऑन, नीचे टर्मिनल हम फेज डाले, अब ये ऊपर से हम एक टर्मिनल ये एल यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ कनेक्शन कर देंगे। इसे क्या होगा, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये कनेक्शन आउट करेगा यहाँ पे, तो हमारे ये सॉकेट में लाइन पहुँच जाएगा। सेम कुछ तरीके से काम कर लेना फेज का। अब आता फिर हमारा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ कहाँ है, न्यूट्रल का जरूरत एक यहाँ पे सॉकेट में, एक यहाँ सॉकेट में, एक यहाँ सॉकेट में, एक यहाँ सॉकेट में, एक यहाँ सॉकेट में, साथ में हमको एक इंडिकेटर चलाने में भी हमको क्या, न्यूट्रल और फेज दोनों का जरूरत होता है। तो फेज हमें यहाँ पे दे दिया है, अब हमको लेके जाना है न्यूट्रल। तो हमारा जो न्यूट्रल का वायर यहाँ पे आया हुआ है हम यहीं से ले लेते हैं, एक न्यूट्रल हम यहाँ दे दिए, ठीक है, एक न्यूट्रल हमको यहाँ ले जाना है, एक न्यूट्रल हम यहाँ ले गए, ठीक है, न्यूट्रल एक टर्मिनल में हमारे यहाँ पहुँच गया। अब फिर न्यूट्रल हमको यहाँ जरूरत है तो हम यहाँ से ही लूप बना के ले जाएंगे, यहाँ से भी ले जा सकते, कहीं से भी हमको न्यूट्रल का वायर पहुँचा देना है,
एक यहाँ पे आ गया न्यूट्रल हमारा, जो यहाँ पे न्यूट्रल है वो यहाँ पे न्यूट्रल आ गया हमारा, टेंशन नहीं है। अभी न्यूट्रल एक हमको यहाँ पे जरूरत है, तो इसी वायर का एक लूप बना के एक न्यूट्रल यहाँ दे देंगे, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ भी आ गया। अब न्यूट्रल का जरूरत हमें यहाँ पे है, तो इसी को हमको ले जाके एक यहाँ इन करा देना न्यूट्रल को, एक न्यूट्रल का जरूरत यहाँ पे, तो ये वायर से हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल हमारा जो आया, न्यूट्रल का वायर आया, न्यूट्रल का कहाँ कहाँ पहुँचा दिए, एक ये सॉकेट 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 में और एक इंडिकेटर में, तो हमारा न्यूट्रल का काम कंप्लीट हो गया। और हमको न्यूट्रल का कुछ काम है नहीं, अभी वो क्या करना है, लाना है बॉडी अर्थिंग। ठीक है, तो बॉडी अर्थिंग का जो वायर आया है, बॉडी अर्थिंग का वायर का हमको काम कहाँ पे, तो बॉडी अर्थिंग हमको इस टर्मिनल, ठीक है, ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ पे बॉडी अर्थिंग का काम होता है हमारा, जो ये ऊपर वाला टर्मिनल जो ये होता है इसमें जरूरत पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन सारा ऊपर वाला टर्मिनल में हमको कर देना है। तो हमारा ये जो वायर आया है इसको हम ले आएंगे, ऊपर टर्मिनल हमारा यहाँ भी एक है, एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ पे दे देंगे, अब हमको एक यहाँ भी देना है, एक यहाँ से आ गया। ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत है सब जगह हमको दे देना है, एक हमको यहाँ पे ले जाना होगा, एक यहाँ पे ले गए, और एक हमको यहाँ पे जरूरत है तो यहाँ पे तो मेरा ही जाएगा। यहाँ से किसी भी आपको बॉडी अर्थिंग का वायर को इस टर्मिनल में पहुँचा देना, न्यूट्रल का जो जो टर्मिनल में है उस जगह पे ले आना, फेज का कनेक्शन जिस हिसाब से हुआ उस हिसाब से ले आना है। तो हम क्या करते हैं, चलिए उसका कनेक्शन करके देखते हैं, और मैं पलट लेता हूँ। तो जैसे इसका हम कनेक्शन करेंगे तो हमको क्लियर करना है, ये हमारा फ्यूज हो गया। ठीक है, ये हमारा फ्यूज था, आप थोड़ा सा शायद कन्फ्यूज हो जाए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये फ्यूज था, ये हमारा यहाँ पर इंडिकेटर है, फिर ये सॉकेट, एक स्विच, सॉकेट स्विच का सारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तुमको कहा फेज इन कराना था फ्यूज को ऊपर टर्मिनल में, और आउट कराएंगे यहाँ से, तो हम क्या करते हैं पहले आउटर कनेक्शन कर लेते हैं कि आउटर कनेक्शन किस तरीके से होगा। तो हम क्या करते हैं, आउटर कनेक्शन के लिए मैंने इस तरफ से पहले लूप बना लिया था कि वीडियो बड़ा ना बने, तो हम क्या करते हैं इसका कनेक्शन पहले हम कर देते हैं। तो हमको कहाँ कहाँ लेके जाना है, तो हमको एक लेके जाना था स्विच के इस टर्मिनल, ये टर्मिनल एक इंडिकेटर में जाएगा, और ये स्विच के टर्मिनल इधर का जाना, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में, और साथ में हमको एक इंडिकेटर में भी लेके जाने का था। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक वायर यहाँ से आउट कराएंगे और एक आउट कराएंगे सेम इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों हमारा फ्यूज से ही, हमारा नीचे से ही आउट करेगा। ये हमारा फ्यूज का नीचे टर्मिनल्स आउट किया। ठीक है, एक इंडिकेटर में चल जाएगा, और इसके साथ एक आ जाएगा ये स्विच में। ठीक है, स्विच के जितना नीचे टर्मिनल हमको फेज का वायर को ले जाना है। अब वीडियो को पूरा देखिएगा तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ जाए, ये कहीं भी रहे, ठीक है, ये सॉकेट स्विच कहीं भी रहे कनेक्शन सेम होगा। ठीक है, फिर ये स्विच हमारा यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है। तो हम क्या करते हैं, चले यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये जितना भी स्विच है सारे नीचे टर्मिनल में ही हम फेज दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फ्यूज का कनेक्शन हो गया। हमारा फ्यूज से आउट क्या कहा गया, एक इंडिकेटर में गया, स्विच के जितना भी नीचे टर्मिनल सब में हमने आउट करा दिया है। ठीक है, अब हमको क्या क्या लाना है, अब हमको करना है ये स्विच से ये सॉकेट में कनेक्शन करना है, ये स्विच से ये सॉकेट में, सब स्विच से सब सॉकेट में कनेक्शन करना है। तो इसके लिए भी मैं इस तरीके से एक लूप ले लेता हूँ जो मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पे एल टर्मिनल में देना है। ठीक है, जैसे हमने वायरिंग किया था, यहाँ हमने कनेक्शन बताया था कि जो भी हमारा ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा, ठीक है, ऊपर टर्मिनल जो भी वायर आउट करेगा कहाँ पे आएगा, जहाँ पे एल है। ठीक है, सब जगह एल ही पे है, तो हमारा स्विच का ऊपर टर्मिनल यहाँ यहाँ से आउट करेगा, एल टर्मिनल यहाँ पे है, तो हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। एक ही स्टेप से करना है, सब इसी तरीके से हो जाए, कर देना आपको। और इसको हम अच्छे से चेक भी कर लेंगे कि
कहीं फॉल्ट ना आए, इस तरह से अधिक फॉल्ट नहीं आता, ये सब बेसिक नॉर्मल सा है। कुछ नट सब गिर गया है, इसको दूसरे से खोल के लगाना होगा। फिर यहाँ से एक हमारा यहाँ से ये स्विच से ये सॉकेट में जाएगा। अब ये सॉकेट ये स्विच हम सबको इसी तरीके से कर लेंगे, जैसे एक हमने किया था इसी तरीके से सभी को कर देना है। इसका विनट गिरा हुआ है, इसको भी लगाना होगा कुछ मुझे, और एक सॉकेट से ये स्विच में दे देंगे। ठीक है, तो जैसा डायग्राम था डायग्राम से हमने सेम कनेक्शन कर दिया है। हमारा फ्यूज का जो स्विच के नीचे टर्मिनल में जो हमारा फेज गया उससे हमने हर स्विच से आउट कराया सॉकेट में। ठीक है, जैसे ये स्विच के ऊपर टर्मिनल ये सॉकेट में, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल ये सॉकेट, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल ये सॉकेट में, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल ये सॉकेट, ये स्विच के टर्मिनल से ये सॉकेट में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको लेके आना है न्यूट्रल और साथ में बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एक लूप ले लेते हैं और इसका हमको थोड़ा सा ये खोजना आपको पड़ेगा, इसको फिलहाल इससे भी लगा लेते हैं काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले न्यूट्रल कनेक्शन कर देते हैं। तो न्यूट्रल के लिए भी हमने स्टेप से लूप बना लिया था पहले, और हमको न्यूट्रल का जरूरत कहाँ का है, न्यूट्रल एक इंडिकेटर में चाहिए। ठीक है, इसके साथ सारा सॉकेट में, सारा सॉकेट में जहाँ जहाँ लिखा है हर जगह हमको चाहिए। तो हमारा एक इंडिकेटर यहाँ पे है, इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में हम दे देते हैं। ठीक है, जैसे हमने डायग्राम में जहाँ जहाँ न्यूट्रल पहुँचाया था हर जगह हम न्यूट्रल पहुँचा देंगे। तो एक इंडिकेटर के ऊपर टर्मिनल में दिए थे, और एक जहाँ अब जहाँ जहाँ एन लिखा है ये सॉकेट का हर टर्मिनल में हमको न्यूट्रल का वायर को दे देना है, जितना भी सॉकेट है। ठीक है, ये हमारा यहाँ न्यूट्रल ने बड़ा जरूरत था, यहाँ पे दिया हमने, इंडिकेटर में दे दिया। ठीक है, इंडिकेटर में दिया, ये सॉकेट में दिया, ये सॉकेट में दिया, ये सॉकेट में दिया, ये सॉकेट में दिया। अब ये सॉकेट बचा है, ये सॉकेट में भी हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन दे देते हैं। तो न्यूट्रल का जितना भी कनेक्शन था हमने कंप्लीट कर दिया, फेज का जितना भी कनेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब बचा हमारे पास बॉडी अर्थिंग का। ठीक है, तो बॉडी अर्थिंग का जो वायर है उसको भी हम लूप बना लेते हैं, और इसके तरीके से लूप बनाए और इसका हम कनेक्शन कर देते हैं। कहाँ कहाँ पर बॉडी अर्थिंग का जरूरत है, कि यहाँ जरूरत है, कि यहाँ जरूरत है, एक यहाँ पर जरूरत है, एक यहाँ पर जरूरत है, और एक यहाँ पर जितना भी ये सॉकेट के ऊपर वाला टर्मिनल सब में बॉडी अर्थिंग का जरूरत है, इसका हम कनेक्शन कर देते हैं। क्योंकि इसका अभी तो बोल्ट खोज के मैं इसे कनेक्शन करके बताता हूँ। तो जो बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन था ये सॉकेट को ऊपर वाले टर्मिनल सब में दे दिया। ठीक है, ये बॉडी अर्थिंग का ग्रीन वायर है जो मैंने 0.75 का लिया है। ठीक है, ये बॉडी अर्थिंग का स्विच सॉकेट का ऊपर टर्मिनल, ये सॉकेट का ऊपर टर्मिनल,
ये भी सॉकेट का ऊपर टर्मिनल, ये भी सॉकेट का ऊपर टर्मिनल और ये भी सॉकेट का ऊपर टर्मिनल, पांचों सॉकेट है उसके ऊपर वाला टर्मिनल में हमने बॉडी अर्थिंग का जो कनेक्शन था वो हमने दे दिया है। ठीक है, आप इजी में देख सकते हैं। अब क्या करना, फेज का जो हमारा इस बोर्ड में कनेक्शन आएगा, ठीक है, इस बोर्ड में जो हम तीन वायर का कनेक्शन ला रहे हैं, फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग, इसका कनेक्शन करना, तो फेज हमारा आएगा फ्यूज में, क्योंकि हम यहाँ पे जेडेड डायग्राम में बनाए थे, फ्यूज को ऊपर वाला टर्मिनल उन्होंने फेज इन कराया था, तो हम क्या करते हैं, पहले फेज हम इन कराते हैं फ्यूज को ऊपर वाले टर्मिनल में। ये हमारा फ्यूज था, ये हमारा फ्यूज में हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बॉडी अर्थिंग और न्यूट्रल, तो बॉडी अर्थिंग हम यहाँ भी देंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ भी देंगे तो सब बॉडी अर्थिंग में पहुंच जाएगा। ठीक है, जो जो सॉकेट में चाहिए तो हम क्या करते हैं, बॉडी अर्थिंग यहीं पे दे देते, जो हमारा पास पड़े। ये हमारा हो गया बॉडी अर्थिंग का। अब हमको न्यूट्रल का कनेक्शन दे दो, न्यूट्रल अगर हम यहाँ भी देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल सब में पहुंच जाएगा। ठीक है, हम अगर यहाँ भी न्यूट्रल देंगे तो सब में पहुंचेगा, यहाँ भी देंगे जोड़ेंगे तो सब में पहुंच जाएगा, हम यहाँ भी जोड़ेंगे तो सब में पहुंच जाएगा, हम क्या करते हैं यही सॉकेट पर जोड़ देते हैं। ये हमने फेज, फेज यहाँ फ्यूज के ऊपर टर्मिनल, न्यूट्रल हम यहाँ जोड़े, आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ या यहाँ कहीं भी आप दे सकते हैं, इंडिकेटर पास भी देना अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी अर्थिंग भी आप यहाँ भी दे सकते हैं, 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 यहाँ भी दे सकते थे, मैंने यहाँ पे दे दिया, आपको जहाँ भी मैंने वो आप कहीं भी दे दीजिए। अब क्या करते हैं, इसका हम कनेक्शन चालू करके देखेंगे और चेक करके देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसको क्या करते हैं, कनेक्शन दे के हम इसका कनेक्शन देखते हैं। तो जैसे हम कनेक्शन देंगे तो हमारा इंडिकेटर जल जाना चाहिए और ये इंडिकेटर हमारा जल गया। ठीक है, अब क्या करना है, हम सारा सॉकेट को ऑफ कर देंगे फिलहाल और इसको हम चेक करके देखेंगे एक टेस्टिंग होल्डर से कि हमारा जो कनेक्शन है जो हमने वायरिंग किया वो सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये सॉकेट सही है, तो एवरेज सही सॉकेट जो हमारा होगा सभी सही होना चाहिए। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, सॉकेट स्विच कहीं भी रहे सेम इस तरीके से आपको काम करना है। अगर ये साथ में भी सटे रहे या सेम लाइन में रहे, कैसे भी रहे, आपको कनेक्शन जो होगा इसी तरीके से करिए, आसानी से आप काम कर सकते हैं।